नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की बात चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पानीपत के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया के मच्छी मार्केट में आया हूँ। मुझे कुछ जानकारी मिली थी कि यहाँ पर खुले में काम चल रहा है, गंदगी में काम चल रहा है, उस चीज़ की जांच पड़ताल के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं अपने साथी से थोड़ा सा अनुरोध करूँगा, कैमरा को थोड़ा सा पीछे की तरफ घुमाएँ और जिस तरीके से खुले में काम हो रहा है और यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की। तस्वीरों में आप देख सकते हो कि ये जो पार्किंग का एरिया है, पार्किंग के एरिया में जो बिल्कुल ये जो यहाँ पर पूरा जो एक वो बनाया गया है, हाँ बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं, यहाँ पर जो इतनी गंदगी है, पीछे की तरफ अगर कोई आदमी चला जाए तो उसका जो बिल्कुल एक प्रकार से आप कह सकते हो इतनी मछलियाँ पड़ी हैं। किसका ये गंद यहाँ पे ये फेंकते हैं अभी काट के? अच्छा। और मैं हूँ यहाँ का हेमा का भाई। अच्छा। ये फेंकते हैं अभी काट के मच्छियाँ, यहाँ पे गंद फेंकते ही है, हेमा का भाई हूँ मैं। ये पार्किंग की जगह है, मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो नगर निगम की कमेटी है, BDPO का नाम लिया जा रहा है कि BDPO ने एक जो महीने से पहले हमसे बात करी थी और हमारी बात हुई थी, आप देख सकते हो सामने जो बाथरूम लेटरिन बाथरूम और ये जो पार्किंग का एरिया है, मैं आपको अभी जो पीछे की चीज़ है वो दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो कितनी जो हैरानी वाली तस्वीरें होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप जो देख पाओगे, देख सकते हो आप जो ये मच्छी हैं कितनी जो बुरी हालत है, देखिए कैसे। हमने सरकार दी थी भाई, ये देखो, और ये देखो मार को मुँह से खाते हैं कि नहीं, कुत्ते भी वहाँ पे इन्ने डाल रहा है। तो आप देख सकते हो कि कैसे जो शहर में एक तरफ तो DC और SP इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि शहर का कैसे विकास किया जाए, सुधार किया जाए, कैसे नगर निगम जो ये कमेटी है, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल जो पार्किंग का पूरा एरिया है, लेकिन यहाँ पर कैसे जो इतने सारे बंदे बैठे हैं। और ये भाई बिल्कुल सही कह रहा है, इन्होंने ये मच्छी मर जाती है यहाँ पर डाल देते हैं, बड़े भाई एमा का भाई हूँ मैं, ये गंदी यहाँ पर डाल देते हैं, कुत्ता मरे चाहे कोई भी मरे, ये गंदी यहाँ पर डालते हैं। ये गंद किसका है? ये गंद इनका ही है भाई, मच्छियों का। इन्हें कोई कुछ कहता नहीं? ना ना भाई, इनका तो कोई भी नहीं कहता। आपने आवाज़ नहीं उठाई कभी? आवाज़ नहीं मारी, आवाज़ दाब देता है प्रधान। क्या किया आपने, कुछ दरखास्त दी कभी? दरखास्त नहीं दी भाई, ये गंद यहाँ पे डाल देते पूरा का पूरा। प्रधान का नाम क्या है? दीपा। नाम क्या है इनका? दीपा बता दा प्रधान। इतना बुरा हाल है, मतलब जीना मुश्किल, तो आप कैसे यहाँ पर रहते हो? ये जो अवैध जगह पार्किंग की जगह पे आपने कब्जा करा? भाई साहब मुझे 10 दिन हुए मैं किसी की दुकान पे लगा हुआ हूँ। अच्छा। मैं बाहर रहता था। किसके पास नौकरी करते हो आप? मैं अपने मालिक के पास रहता हूँ। मालिक यहाँ पे कोई आता नहीं? यहाँ गया भाई जी जो मेरा मालिक है। तो पीछे अगर यहाँ पर आदमी मर गए तो देख सकते हो आप कितने? सर मुझे नहीं पता है, मुझे 10 दिन हुए यहाँ पे आके, मैं किसी के द्वारा नौकरी कर रहा हूँ, जो मालिक है वो आएगा उनसे बात कर लेना। इसकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी, आपकी नहीं है? सर मैं कहता रहा हूँ मुझे 10 दिन हुए यहाँ पे आए हुए, मैं किसी के द्वारा काम कर रहा हूँ। मालिक का क्या नाम है? मालिक का सलमान। पीछे इतनी गंदगी है यार, डर नहीं लगता आपको इससे? क्या भाई डर किस चीज़ का भाई? मतलब यार वो पीछे लोग रहते हैं, बदबू फैलने का कुछ खतरा नहीं है भाई? यहाँ काम नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। और दूसरी बात ये, अगर ये जगह जहाँ पर आप बैठे हुए पार्किंग की जगह है भाई, आज से थोड़ी ना 40 साल पहले बैठे हैं यहाँ, तो ये आज से थोड़ी ना बैठे भाई। मतलब धक्का चाहिए? धक्के चाहिए क्यों ना भाई, मैं कमे वाला ना बैठा लेंगे। सफाई तो कर सकते हो आप, वो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई। कई बार सफाई करवा चुके हैं यहाँ पे भाई, पीछे अभी पीछे भी वहाँ पे कोई SPDC आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा? भाई साहब वहाँ पे सांस लेने की वो नहीं है। तो जैसे भी आपने मच्छी मार्केट आपने देखी, गंदगी आपने देखी, और यहाँ पर परिवार भी रहते हैं, तो यहाँ पर कुछ परिवार हैं जो जिन सभी हम बात कर लेते हैं कि वो किस तरीके से रहते हैं गंदगी के बीच में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब, ऐसा है हम यहाँ काफ़ी दिन से रह रहे हैं। कितने टाइम से? हमारे को कम से कम 40-50 साल हो गए जी यहाँ रहते। 40-50 साल हो चुके हैं? हाँ जी, लेकिन यहाँ कोई गंदगी का समाधान नहीं होता। कोई प्रशासनिक आदमी नहीं आया आज तक? कोई नहीं आता, आते हैं सुनते हैं कुछ भी गौर नहीं करते, चले जाते हैं, आते नहीं है, फिर दोबारा से चेक करके चले जाते हैं, कोई पूछ नहीं सकता क्या गरीबों का। DC वगैरह, SP वगैरह, DSP वगैरह कोई नहीं? ना ना नहीं जी। तो आप लोग देख सकते हैं प्रशासनिक आला अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं यहाँ पर नहीं आए हैं, जो छोटे अधिकारी होते होंगे, जो निचले लेवल के अधिकारी हैं वो आते होंगे और वो देख के चले जाते होंगे। तो
यहाँ पर आप रह रहे हो, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जी? आप एक कम से कम रविंद्र अस्पताल में जाके देखो जी, हमारे हर महीने में, दो महीने में, हफ्ते में, दस दिन में हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम खुद पर परेशानी में हो जाते हैं जी, कोई सुनते नहीं है। एमसी को बुलाओ वो नहीं सुनता जी। एमसी कौन है आपके यहाँ? ये ढेंगड़ा जी हैं जी, अश्वनी ढेंगड़ा। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने बार आप इस चीज़ को आप लेके गए हो कि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा गंदगी है और इस गंदगी को आप हटाओ? सर हमने काफ़ी बार बोल दिया, हमने इसका पहले भी हमने इसकी वीडियो बनवाई है। तो क्या कुछ बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला हो जाएगा लेकिन होते ही नहीं है। देखो आप एक बार नज़र मार के देखो, यहाँ से गली भी एक लाइट नहीं लग सकती, तो ये क्या काम होगा जी? आप कहाँ काम करते हैं? हम कबाड़ा कुबड़ा करते हैं जी, फेरी फूरी। हाँ जी, वोट तो जी हमारे दो चार घर होंगे जिसकी नहीं है, हमारे कम से कम 250-250 वोट है यहाँ जी। राशन कार्ड वोट वगैरह सब कुछ है टोटल सब। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ की वोट से निगम के जो इलेक्शन होते हैं, एमसी बनता है, ये उसका उत्तरदायित्व बनता है यहाँ आपकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको प्रदान करें। वार्ड कौन सा पड़ता है आपका? ये 21 वार्ड है जी, वार्ड नंबर 21। अब 24 हो गया जी। अब 24 हो गया। हाँ जी, अब वार्ड नंबर 24 के जो अश्वनी ढेंगड़ा जी हैं, जो एमसी है, मैं उनसे अनुरोध करूँगा जल्द से जल्द अपने चैनल के माध्यम से, जितने भी जो भाई साहब ने बोला 40 से 50 साल हो चुके हैं इनको यहाँ रहते हुए, इस गंदगी में रहते हुए, तो जिसने पीछे वालों ने किया नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन आप इस टाइम पे मौके पे एमसी हो, आप इस चीज़ को संज्ञान में लेके इस पे जल्द से जल्दी कार्रवाई की जाए और इसको जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो इनको प्रदान की जाए। इस वीडियो के साथ अपनी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।